Good morning, dear students. As you know, we are preparing for the Punjab Achievement Survey 2020. We are doing lesson number 4, The Clock, My Friend. Today, we are going to discuss the page number 40 of the same lesson. First of all, I will try to show you the concept given on this page. There is one pillar that like this. The apple is dash the book. We can see the apple is placed on the book. जब एप्पल बुक दे ऊपर पे आया तो केड़ी प्रपोजिशन आऊगी ऑन क्योंकि जो एप्पल है वो बुक दे ऊपर पे आया है इन द सेम वे देयर इज वन फिलर द स्पून इज डैश द ग्लास जो स्पून है वो ग्लास से कितने है बीच पे आया है इट मींस द स्पून इज इन द ग्लास इस दे बीच क्या होगा इन होगा इसी तरह देयर इज वन पोजीशन शोइंग The bag is under the chair. Bag जो है, वो कितने पे है? Chair दे नीचे पे है. In the same way, there is one more thing. The ball is इस तरह दो boxes नहीं. The ball is dash the boxes. Ball कितने है boxes दे विचकार है. Now we shall do the fill-ups given on this page number 40. The apple is dash the book. अपन देखिए सी कि apple book दे ऊपर पे ऐसे options के की ने in, on, near, between, under. अपन पता है कि ऊपर की होता है on. अपन लिखेंगे the apple is on the book. The spoon is dash the glass. Spoon जो है चम्मच जो सी वो glass दे कितने सीगा glass दे बिच सीगा बिच लिए अपन के लिखा के in, on, near, between या under अपन लिखेंगे in क्योंकि in होता है कि वो उसके बिच पे ऐसे थर्ड इज द बैग इज डैश द चेयर बैग जो है वो चेयर के नीचे पे ऐसे हेठा पे ऐसे अपन उधर ही लिखेंगे अंडर बैग इज अंडर द चेयर द ट्री इज डैश द हट ट्री जो है बुक च थोड़े बने हुए कि ट्री जो है वो एक झोंपड़ी के नेड़े है नेड़े ही अपन की लिखते हैं नियर ट्री जो है दैट इज नियर द हट द बॉल इज डैश द बॉक्सिस बॉल कितने सी बॉक्सिस दे विचकार सी विचकार ही अपन की लिखते हैं बिटवीन द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सिस So students, here are few more fill-ups for you with options. The options are given on the top. We have to choose the right option and fill up the given blanks. First is, he was flying kite dash the roof. कोई बच्चा है पतंग चला रहा है छत के ऊपर. ऊपर ही आप क्या लिखेंगे? In, on, under, behind या near. अपन पता है कि छत के ऊपर जाएगा. So इतने क्या आ जाएगा? On. Second is, We write dash the notebook. अपन notebook ते ऊपर लिखते हाँ ऐसा ना अपन बोलते हैं तो अपन इतने भी की लिखेंगे on. We write on the notebook. The third is he was sitting dash the teacher. कोई बच्चा है जो teacher दे कोल बैठा सी अपन की लिखेंगे he was sitting near the teacher. In the same way, the school is Dash to my house. अपने जो स्कूल ने अपने घर आंदे हो नेड़े ही अपन को पता है सो इत्थे भी किया होगा द स्कूल इज नियर टू माय हाउस फिफ्थ इज ही वाज हाइडिंग डैश द ट्री बच्चा जो है ट्री के पीछे छुपया हुआ सी पीछे ले किया होगा बिहाइंड अपन लिखेंगे इत्थे ही वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री एंड द लास्ट इज The children were playing dash the park. बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे थे. अपन इतने के लिखेंगे children were playing in the park. So students, you have to revise the page number 40 and the fill-ups we have discussed. Thank you.